असा यदि सारी छंगाई की थी टोटल ए जिवें ओ अमरूद दा बूटा पे नजर आंदा जे ना सेम असा इस तरह कर छड़ी सी बेरी ठीक है। तो सीजन दे विच फिर वह फल जिस टाइम लगना ना इन्हें बाद चो थले इस तरह आना ही होना है। अज फ्राइड तो नवीद भाई अक्सर ही फ्राइड आ जाते हैं इन्हों का दिल भी घट ही लगता गुजरात थोड़ी जी चिल मस्ती चल रही है साड़ी और प्रोग्राम जो है ना वो प्लानिंग तरतीब दी जा रही है कितने जाना फिर लाल सारे जड़े ना वो सोच रहे हैं कि की करिए कितने जाइए कैटो देखो क्या कर रही है तेरिया लैनी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम जल्ला पाक दी रहमत रोदे करम दे नाल अपने अज दे व्लॉग दा आगाज़ करना एक नवा पंजाबी व्लॉग लैके मैं रजी चीमा तुहाडी खिदमत विच हाज़र हां। अपना अज्ज का व्लॉग शुरू करने तो पहले एक छोटी जी रिक्वेस्ट प्लीज साढ़े चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया। बाकी इधर बशारत भाई और नवीद भाई फिलहाल प्लानिंग थोड़ी जी जी नहर से जाती और उस तो बाद एक बजुर्ग हस्ती है साढ़े को उन्होंने कलाम जो है ना तुम्हें वो सुनावे अभी मियाँ जी का कलाम पढ़ते रहे मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का हैं। हम अपने चौक कश्मीर टाउन में और हमारे नौजवान जो है ना वो जो सामने खड़े हैं हूँ रश आया नहीं हाले कुछ इस तरह का व्यू है साढ़े कश्मीर टाउन का इस टाइम कश्मीर टाउन खड़े हो कुछ थोड़ा जहा इंतजार कर रहे हैं राशिद भाई का ठीक है इस गली के बचकार और मोटरसाइकिल ला के तो आने लगे हैं ओ आ गए और कुछ इस तरह से आज हम अपना सफर जो है ना उसका आगाज करेंगे। आ जाओ आ जाओ और ये है हमारी सारी फौज आज हम मतलब सारे निकले हुए हैं विजिट पे लेकिन विजिट का कोई पता नहीं कि अभी कितने विजिट करें चले हम टोर पे या निकल पे वेखो अल्लाह की सपुरद हो कितने जाके ब्रेकां लगदिया ने कुछ इस तरह की तरतीब है इस मोटरसाइकिल मैं बशारत भाई और नवीद भाई उधर राशिद और शहजाद ते सहेल भाई और वासफ भाई अच्छा लो जी नादरी ने मोहतर मैं कहता ना असं पहुँच गए इतने तनवीर भट्टी साहब इन्हों को आए हैं नहर के उत्ते अगेन एक बार फिर तुम इधर देख रहे हो नहर जी ने इस साइड से एक बुजुर्ग सन और मियाँ साहब का कलाम बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं परसों जो अं आए ना मच्छी लैन वास्ते उन्होंने ना कलाम सुनिया तो कलाम जो अच्छे रिकॉर्ड करने अं चले हैं पहुंच गया तारोवाल कंग के पुल तो इस ब्रिज तो अभी क्रॉस करके नहर की दूसरी साइड से जा रहे हैं इधर का यह सीन तुम जो वेख रहे हो ना ये तकरीबन सन 1965 के जिस वक्त मतलब इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी ना तो उस धमाके के दौरान एक बंब जो है ना वो डिगा से और यद हेठला और उतला पानी जो है ना वो एक ही हो गया और यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह का रास्ता आ गया रास्ता ख़राब होने की वजह से ना जो भी हम पैदल ही मतलब जा रहे हैं और इस तरफ से राशिद भाई और शहजाद भाई भी आ रहे हैं अल्लाह रखे बन के उत्ते सब सरकारी सफेदे ने आर्मी के अंडर है सारा हिस्सा जिन्ना भी है ना प्लैन ना साडा थोड़ा जहा चौपट हो गया क्योंकि असी जिस बंदे दे कोल जा रहे थे ना मियाँ साहब का कलाम सुनने वास्ते उसकी इतलाह मिली है कि वह इतने को नहीं लाहौर गया किसी काम वास्ते और ये पता भी को नहीं है कि उन्हें कदों आना असी फिलहाल कलाम तो नहीं तुहाडे नाल शेयर करांगे लेकिन इस वक्त असी जिस एरिए ना उस एरिए मतलब तुम थोड़ी जी मालूमत दें कि यह भी साडा दलौर का रकबा साडे पिंड का रकबा दिलावर चीमा का इस वक्त असी नहर के बन के उत्ते हैं इस नहर की इस साइड से मतलब साडा पिंड दिलावर चीमा और यह सारा रकबा जोड़ा मतलब साढ़े पिंड उस तो बाद ताजनगर ठीक है
ਇਸ ਤਾਜ ਨਗਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਦਿਲਾਵਰ ਚੀਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਿਲਾਵਰ ਚੀਮਾ ਦਾ ਰਕਬਾ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਹੈ ਖੋਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਬਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲਾਵਰ ਚੀਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਏ ਚਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਕਬੇ ਦਿਲਾਵਰ ਚੀਮਾ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਔਰ ਦਰਿਆ ਦੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੋਜਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਖੋਜਿਆਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਸਾਡੇ ਰਕਬੇ ਚ ਵਸਦੇ ਤਾਜ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦਲੌਰ ਦਾ ਰਕਬਾ ਆਪਣੇ ਅਬਾਸ ਭਾਈ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਰਾਬਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੋਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਲ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਨਾਦਰੀਨ ਮੋਤਰੋਂ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਔਰ ਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕੁ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਨਵਰ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ ਔਰ 100 ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇੱਡਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਦਰੀ ਮੋਹਤਰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਿਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 2-3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਲਾਹੌਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਬਾਈ ਔਰ ਨਵੀਨ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈਡ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਧਰ ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾ ਲਸੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਤੋਂ